प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना संकट के बीच भी सफाई कर्मचारी, पुलिस, डॉक्टर से लेकर मीडिया कर्मी अपने कामों में जुटे हुए हैं। इस बीच सिवनी के गणेशगंज ग्राम में कोरोना योद्धाओं का स्वागत कुछ अलग अंदाज में किया गया। बता दें, आज गणेशगंज में लखादौन थाना प्रभारी के नेतृत्व में सघन पेट्रोलिंग पूरे दल बल के साथ की गई, जिसमें आदिगांव थाना प्रभारी भी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा गर्मजोशी के साथ नगर की गलियों में फूलों को बिछाकर कोरोना फाइटर्स का स्वागत किया गया। साथ ही ताली थाली घंटी व शंखनाद कर सभी का हौसला अफजाई की गई। ग्रामीणों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस या मीडिया कर्मी इन सभी का अभिनंदन करें। इसी क्रम में आज गणेशगंज ग्राम के नागरिकों ने पुलिस विभाग टीम के पहुंचने पर फूल बिछाकर स्वागत किया। वहीं गांव के लोगों ने अपने घरों के सामने खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 मीटर की दूरी पर रहकर तालियों के साथ थाली, घंटा और शंखनाद कर कोरोना योद्धाओं का अद्वितीय स्वागत किया। वहीं इस मौके पर लखनादौन थाना प्रभारी द्वारा गांव के लोगों को मास्क और साबुन भी वितरित की गई और सभी से घर पर रहने की अपील के साथ कहा गया, घर से बाहर न निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने की अपील गांव के लोगों से की गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1300 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं सिवनी जिला प्रशासन की सतर्कता और सूझबूझ से अभी तक जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त है। रशोनिया न्यूज के लिए बाल मुकुंद सिंह की रिपोर्ट। रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।